नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और हर सीट पर समीकरण बनाकर अपने विरोधी को पटकनी देने की तैयारी में हैं। ऐसे में यूपी की मथुरा सीट पर हेमा मालिनी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक हैवीवेट उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या बुरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद चार राज्यों में से है, जिसमें सबसे ज्यादा दांव यूपी पर लगाया जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन बीजेपी के दांव को पंचर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि बीजेपी ने यूपी में लगभग सभी उम्मीदवार फाइनल कर दिए, लेकिन सपा और कांग्रेस ने अभी नहीं किए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से इतर 30 से ज्यादा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। ऐसे में अब बारी कांग्रेस की है और कांग्रेस के खाते में जो महत्वपूर्ण सीटें सामने आई हैं, उनमें से एक सीट है मथुरा लोकसभा सीट, जहां पर तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। तो कांग्रेस मथुरा सीट हथियाने के लिए काफी गहन मंथन कर रही है। खबरों की माने तो जाट बहुल सीट को लेकर जयंत चौधरी इस सीट को लेकर काफी बेचैन थे और बीजेपी में शामिल होते ही इस सीट की उन्होंने मांग कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने मथुरा सीट देने से उन्हें इनकार कर दिया और अब ये सीट बीजेपी के खाते में है। तो इस सीट पर कांग्रेस अब बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी जान लड़ा दी और अब कहा जा रहा है कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह को इस सीट से लड़ाया जा सकता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल है और कहा जा रहा है कि जाट सीट पर कांग्रेस अपने बॉक्सर को लड़ाने के लिए कंफर्म है और विजेंद्र सिंह ही मथुरा में हेमा मालिनी को टक्कर देंगे। लेकिन ये अभी एक अफवाह मात्र है, ऐलान के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस अपने खाते में आई मथुरा लोकसभा सीट पर किसे चुनाव लड़वाती है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मथुरा के लिए विजेंद्र सिंह सबसे अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। जानकारी देते चलें कि मथुरा लोकसभा सीट जाट बहुल सीट है और कांग्रेस यहां पर जाट का ही कार्ड खेलने वाली है। अगले एक दो महीने में कांग्रेस मथुरा लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महेश पाठक को यहां से लड़ाया था और कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार फिर कांग्रेस में कई नामों की चर्चा होगी। जानकारी देते चलें कि पूर्व विधायक राजकुमार रावत, सादाबाद के पूर्व विधायक अनिल चौधरी, प्रदेश पदाधिकारी योगेश तालान के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम सामने आने के बाद सभी के नामों पर जो है विराम लग सकता है। कांग्रेस उन्हें यहां से मैदान में उतार सकती है। विजेंद्र जाट हैं और मथुरा सीट के लिए उपयुक्त हैं। देखना होगा कि आगे होता क्या है और क्या विजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा या फिर नहीं। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी मौसम में आगे क्या कुछ होता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।